हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो है वो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज का जो टॉपिक है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर है। देखिए, वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण जो है वह एक सतत प्रक्रिया है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जिसने संसार के विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक संबंध क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। वैश्वीकरण के द्वारा क्या होता है, विभिन्न संसार कितने भी देश हैं उनके बीच, आपस में विभिन्न देशों के बीच क्या होता है कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अंतर संबंध स्थापित होता है। वैश्वीकरण क्या होता है कि विभिन्न देशों के लोगों के बीच, कंपनियों के बीच और सरकारों के बीच जो होता है एकीकरण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि संबंध स्थापित होता है, एकीकरण स्थापित होता है। और जो वैश्वीकरण होता है वह संसार को एक बाजार उपलब्ध कराता है। वैश्वीकरण क्या करता है, संसार को एक बाजार उपलब्ध कराता है, संसार को बाजार के रूप में क्या करता है, जोड़ता है। तो वैश्वीकरण का मतलब यही है कि जो विभिन्न देश है संसार के, जितने भी देश हैं उनके बीच ये क्या करता है, एकीकरण स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है और संसार को एक बाजार उपलब्ध कराता है। इसी का मतलब होता है वैश्वीकरण। अब फिर होता है और यहां दिया है अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों में उत्पादन, उपभोग और निवेश की क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में उत्पादन, उपभोग और निवेश की क्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसी को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि ये टॉपिक यही है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। हम वैश्वीकरण के बारे में समझेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मुद्दों पे, उसमें कुछ जो पॉइंट होंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे। देखिए, आज अगर हम विश्व में उपभोक्ता के रूप में देखें, अपने आप को उपभोक्ता के रूप में देखेंगे, तो हमसे कुछ के, हम लोगों में से कुछ के सामने क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प मौजूद है। यानी कि अगर हम आसपास देखेंगे, बाजारों में देखेंगे, तो अगर हम समर्थ हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए तो हमारे सामने विस्तृत विकल्प मौजूद हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प मौजूद हैं। यानी कि हमारे पास अगर धन है, हमारे पास पैसा है, तो हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं। यानी कि आवश्यक कोई भी वस्तु है वो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो इस समय अगर उपभोक्ता के रूप में हम देख रहे हैं, संसार में, विश्व में अगर हम उपभोक्ता के रूप में देखते हैं, तो हर वो विकल्प हमारे सामने मौजूद है जो हमें आवश्यक है। अब देखिए, विश्व की जो बड़ी कंपनियां हैं, जो विश्व की बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत सारी वस्तुएं बनाती है, जैसे हम कह रहे हैं कि कैमरे हो गए, फिर मोबाइल हो गया, फिर आपका हो गया टेलीविजन, ये इसके विभिन्न मॉडल, इसके एक से एक मॉडल बाजार में उपलब्ध है। यानी कि अगर हम बाजार में जाते हैं, बड़े बाजार में जाते हैं, तो जो भी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, चाहे हम मोबाइल की बात करें या टेलीविजन या ब्रांडेड कपड़े की बात करें, तो हर ब्रांड आपको बाजार में उपलब्ध नजर आएगा। आप कोई भी ब्रांड आप लेना चाहते हैं किसी भी चीज का, किसी भी संबंध में, चाहे पहनने के संबंध में या गाड़ी के संबंध में या टेलीविजन के संबंध में, कोई भी सामान लेना चाहे कोई किसी भी ब्रांड का, अच्छे से अच्छा ब्रांड आपको बाजार में मिल जाएगा। तो अब कुछ समय पहले अगर हम बाजार में, जैसे हम सड़कों पे देखते हैं, सड़कों पे क्या देखते हैं कि एक से एक नई कारें हमको दिखाई देती हैं। हम सड़कों पे देखते हैं तो क्या एक से एक नए ब्रांड के कारें हमको दिखाई देती हैं, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, अगर हम पहले 20, 30, 40 साल पहले की बात करते हैं,
तो उस समय एक दो कुछ गिने चुने ब्रांड ही हमको दिखाई देते थे सड़कों पे। लेकिन आज हम अगर सड़कों पे आप ही देखते होंगे सड़कों पे, तो हमें तमाम प्रकार की कंपनियां, तमाम प्रकार के ब्रांड के हम बाइक देखते हैं, कारें देखते हैं या अन्य चीजें हमको दिखाई देती हैं सड़कों पे, हमको दिखाई देती हैं, जो पहले ऐसा नहीं था। अब जो विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जैसे कार ही बनाया जाता है या कोई भी वस्तु जो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा बनाया जा रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि संसार के कंपनियों के द्वारा, विदेशी कंपनियों के द्वारा, तो वे सामान अब भारतीय लोग भी क्या कर रहे हैं, उसको उपभोग कर रहे हैं, उसको खरीद के भारतीय लोग भी क्या कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं। चाहे हम बड़ी कंपनियों कारों की बात कर रहे हैं, तो जो बड़े बड़े कंपनी के कार हैं उन कारों को भी भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और वे भी हमें सड़कों पे दिखाई देती हैं। ये सिर्फ बात कारों की नहीं है, चाहे हम टेलीविजन की बात कर लें, मोबाइल की बात कर लें, या हम बाइक की बात कर लें, या कपड़ों की बात कर लें, कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो भारत में नहीं दिखाई देता, यानी कि वो तो बाजार में तो उपलब्ध है ही, चाहे वो विदेश में बनता हो, या वो भारत का ब्रांड हो या विदेश का ब्रांड हो, वो भारत के बाजारों आपको, भारत के बाजारों में आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपको बाजारों के साथ साथ आपको सड़कों पे दिखाई देगा, लोग को लोग पहने हुए होंगे उनको वे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड, अच्छे अच्छे ब्रांड के लोग कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तो वे सभी ब्रांड न सिर्फ आपको बाजारों में दिखाई देगा बल्कि लोगों के पास भी दिखाई देगा, जबकि ऐसा पहले नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में ये सब परिवर्तन कैसे, जैसे कि जो हमारे बाजार में जो वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प हैं, वे अपेक्षाकृत नवीन परिघटना, यानी कि ये जो घटनाएं घटी हैं, जो परिवर्तन हुआ है हमारे बाजार में, ऐसा पहले नहीं था। दो दशक, वही मैंने कहा कि 20 साल 25 साल 30 साल पहले की अगर बात करते तो कपड़े की बात कर लें तो कपड़े भी उतने ब्रांड के नहीं थे, एक दो अच्छे क्वालिटी के कपड़े होते थे, मोबाइल तो था ही नहीं 20-30 साल पहले, मोबाइल था ही नहीं, टेलीविजन भी बहुत ही कम कंपनियों के द्वारा टेलीविजन हमारे बाजार में दिखाई देते थे, तो वे जो बाजार में सामान उपलब्ध थे वे बहुत सीमित संख्या में थे, उनके ब्रांड बहुत ही सीमित थे। लेकिन ये सब किसके कारण हुआ, वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण जब एक देश से दूसरे देश में कंपनियां यानी कि व्यापार करने लगी, यानी कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, अब हमारे देशों में, हमारे बाजार में हर किस्म के, हर वस्तुओं के बारे में अगर हम उसके कई विकल्प खोजना चाहें तो आसानी से मिल जाएगा। जैसे हम कपड़ों की बात कर लें तो अगर कपड़ों में हमें किसी भी, अब हम चाहें बोले एक या दो कंपनी के कपड़े मिलते थे, अब किसी भी बहुत सारे कंपनी के कपड़े मिलते हैं, बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं, महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ता, तो हर किस्म के ब्रांड हमारे बाजारों में उपलब्ध हैं। तो ये जो घटनाएं घटी हैं, ये जो परिवर्तन आया है, वो हम कह सकते हैं कि दो दशक या तीन दशक के बाद से ही आया, यानी कि 10-20 साल पहले, 20-25 साल पहले ऐसा नहीं था। हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी के में ये परिवर्तन ज्यादा देखने को मिला है। तो आखिर में ये परिवर्तन क्यों, कैसे आया, इस पे गौर करने की बात है, तो आगे हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, अचानक से ये परिवर्तन, इतना परिवर्तन बाजारों में कैसे आ गया। तो अगला पॉइंट देखेंगे, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो अगला पॉइंट है वो है अंतरदेशीय उत्पादन। अंतरदेशीय उत्पादन, देखिए अंतरदेशीय उत्पादन का मतलब क्या होता है कि जो उत्पादन देश के अंदर ही हो, यानी कि जैसे भारत, अब भारत में कोई सामान बन रहा है, जैसे कपड़ा ही बन, नहीं मान लीजिए कोई मोबाइल बन रहा है, तो अगर वो मोबाइल भारत के अंदर बन रहा है तो इसका मतलब वो देश के अंदर उसका उत्पादन हो रहा है, तो वो हम उसे कह सकते हैं कि इसका उत्पादन अंतरदेशीय हो रहा है, यानी कि अंतरदेशीय उत्पादन। तो अंतरदेशीय उत्पादन, देखिए 20वीं सदी के मध्य तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी के मध्य 1950 यानी देश की आजादी तक, हम कह सकते हैं कि देश की आजादी तक, यानी कि 20वीं सदी के मध्य तक क्या हुआ, उत्पादन जो था मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था, यानी कि जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, यह हम ये कह सकते हैं 20वीं सदी के मध्य का मतलब ये हुआ कि 1950 के आसपास, 1950 के दशक के आसपास, यानी कि उसी समय 1947 में, जैसे हम मालूम है 1947 में भारत आजाद हुआ था,
तो हम कह सकते हैं देश की आजादी तक क्या था कि जो वस्तुओं का उत्पादन होता था वो मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर यानी कि देश के अंदर ही होता था, और इन सीमाओं को लांघने वाली जो चीजें थी जैसे कि इन सीमाओं से बाहर क्या होता था, जो उत्पादन होता था तो वो देश के अंदर होता था यानी कि भारत में ही उत्पादन होता था, भारत के बाहर क्या होता था, सीमा के लांघने का मतलब क्या होता है कि भारत के बाहर, तो भारत के बाहर क्या होता था, कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और कुछ अन्य चीजों का क्या होता था, निर्यात होता था, यानी कि जो उत्पादन होता था किसी भी सामान का वो भारत में ही होता था, देश के अंदर ही होता था 1950 के आसपास, और देश के बाहर क्या होता था, कुछ वस्तुओं को बेचा जाता था, उसको निर्यात किया जाता था, जैसे कि कच्चा माल हो गया, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वे कच्चा माल क्या करते थे, अपने देश में ले जाते थे, यानी कि यहाँ से क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था, तो कच्चा माल हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, ये सब क्या होते थे, यहाँ से भारत से निर्यात किया जाता था, और उसके बदले जब वहां से तैयार सामान जब बन जाता था, जैसे कि कच्चा माल के रूप में हम किसे कह सकते हैं, कपास, कपास हो गया कच्चा माल, तो यहाँ से कपास का भारी मात्रा में क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था, और फिर वहां से उससे रेशम से या उसके सूत से कपड़े बना के फिर जब वो कपड़े तैयार हो जाते थे तो फिर वहां से यहाँ पे क्या किया जाता था, आयात, यानी कि भारत में फिर आयात किया जाता था, अंग्रेज क्या करते थे, भारत में उसे बेचते थे, तो ऐसा था 1950 के आसपास। अब देखिए ये क्या था, ये दो देशों को जोड़ने का जरिया था, व्यापार क्या था, इससे व्यापार होता था आयात और निर्यात, अब आयात और निर्यात क्या करता था, दो देशों को जोड़ने का काम करता था, आयात निर्यात क्या करता था, दो देशों को जोड़ने का काम करता था। अब यही समय था जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां के उभरने का युग, यानी कि 1950 के आसपास, हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी के मध्य के आसपास का जो समय था वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय का युग था, यानी उसी टाइम पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हुआ। अब प्रश्न उठता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होता है, किसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिन जो एक से अधिक देशों में, जिनका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका एक से अधिक देशों में क्या होता है, जिनका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व होता है, यानी कि हक होता है। मतलब ये जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी हम किससे कह सकते हैं, जैसे भारत में कोई कंपनी है, भारत की कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए रिलायंस की कंपनी, उदाहरण हम लेते हैं रिलायंस, अब रिलायंस भारत में उत्पादन तो करता है, हम सभी को मालूम है, अगर अब यही रिलायंस दूसरे देशों में जाकर भी उत्पादन करने लगे, फैक्ट्रियां खोल ले, कारखाना खोल ले, वहां पे भी उत्पादन करने लगे, वस्तुओं को बेचने लगे, तो हम इसे क्या कह देंगे, वहां के लोग या इसे क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे, क्योंकि इसका उत्पादन जो हो रहा है वो एक से अधिक देशों में हो रहा है, अपने देश में तो हो रहा है, दूसरे देश में भी हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनके जिनका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व होता है। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो उन क्षेत्रों में मतलब अपना कारखाना या कार्यालय खोलती हैं जहां पे सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, जहां पे सस्ते मजदूर मिल जाते हैं वहां पे क्या करती हैं, वहां पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, जहां पे सस्ते मजदूर मिल जाते हैं वहां पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, अपने कार्यालय या कारखाने खोलती हैं। ये ऐसा क्यों करती हैं, ऐसा ये इसलिए करती हैं क्योंकि ये इनका यही मकसद होता है कि अधिकतम लाभ अर्जित करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य जो मकसद होता है, उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ अर्जित करना। तो ये होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। वैसे ही पता चल रहा है बहुत राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र यानी कि बहुत सारे राष्ट्र, यानी एक से अधिक राष्ट्र
में ये कंपनियां खोली जाती हैं। अब देखिए, तो हमने समझा बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, जिनका बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देश में होती हैं और इनका उत्पादन के नियंत्रण या स्वामित्व होता है। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वे केवल वैश्विक स्तर पर अपना तैयार उत्पाद ही नहीं बेचती, यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये वैश्विक स्तर यानी संसार में अपने उत्पादन को बेचती ही नहीं है। जो भी उत्पादन करती है, जो भी वस्तुएं बनाती है, उसको सिर्फ बेचती ही नहीं है बल्कि क्या करती है, बल्कि वे विश्व के अन्य देशों में ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी करती हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सिर्फ अपने सामानों को, जो सामान बन गया उसको, ये नहीं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है कोई सामान जैसे कि जूता बन गया या कार बन गया तो इसको जापान में अमेरिका में ले जाके बेच दी थी, इसको बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सिर्फ सामानों को बेचती ही नहीं है अपने देश से दूसरे देशों में, बल्कि ये दूसरे देशों में फैक्ट्री कारखाना खोल के वहां पे वस्तुओं का उत्पादन भी करती हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी करती है, मतलब यानी कि वस्तुओं को बनाती भी हैं और उसका क्या करती हैं, उसको वितरित भी करती हैं, यानी कि उसको बेचती भी हैं। तो ये मुख्य काम होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। अब जैसे कि जो चीन है, अब चीन क्या करता है, चीन सस्ता विनिर्माण केंद्र का लाभ प्रदान करता है। चीन क्या करता है, सस्ता विनिर्माण केंद्र का लाभ प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि चीन में जो वस्तुएं बनती हैं, हम सभी को मालूम है चीन की जो वस्तुएं होती हैं क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। चीन की वस्तुएं क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। किसी भी चीज की बात की जाए, चाहे खिलौनों की हम बात कर लें या मोबाइल की बात कर लें, हम मोबाइल सभी लोग चाइनीज, अधिकतर जो भारत के लोग हैं या संसार के अधिकतर जो लोग हैं चाइनीज मोबाइल यूज क्यों करते हैं, चाहे आप रियलमी की बात कर लें, रेडमी की बात कर लें या अन्य ओप्पो की बात कर लें, वीवो, जो भी मोबाइल है, अधिकतर लोग चाइनीज मोबाइल यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो ब्रांड है सस्ता है। क्या है, सस्ता है। तो चीन जो है वो सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का हमें लाभ प्रदान करता है, यानी कि वहां पे वस्तुएं सस्ती बनती है तो उससे हमको लाभ होता है। इसी तरह से जो मैक्सिको और पूर्वी यूरोप क्या करते हैं, ये अमेरिका तथा यूरोप के बाजारों से निकट होने के कारण काफी लाभप्रद होते हैं। मैक्सिको अमेरिका के नजदीक है, अमेरिका के पास है, पड़ोसी देश कह सकते हैं, तो मैक्सिको अमेरिका के पास है, और जो पूर्वी यूरोप है वो भी यूरोप का हिस्सा है। तो मैक्सिको और पूर्वी यूरोप हो गए, ये अमेरिका तथा यूरोप के बाजारों से नजदीक है, जिसके कारण इन्हें लाभ प्रदान होता है। इन देशों को, ये देश आसानी से अपने वस्तुओं को उन बाजारों में ले जाकर बेच देते हैं, मैक्सिको वाले अमेरिका के बाजारों में और पूर्वी यूरोप वाले यूरोप के बाजारों में ले जाकर बेच देते हैं। इसी प्रकार से हम कह लें कि भारत के जो कुशल इंजीनियर हैं ये क्या करते हैं, उत्पादन के तकनीक को, एक पक्ष को समझ सकते हैं। भारत के जो कुशल इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर हैं, ये उत्पादन जो होता है उसके कुशल इंजीनियर जो है वो उत्पादन के तकनीक को समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो अंग्रेजी बोलने वाले युवक हैं, शिक्षित युवक हैं, अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक को क्या करते हैं, ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अंग्रेजी, भारत के अंग्रेजी बोलने वाले जो शिक्षक होते हैं वो ग्राहकों को देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, यानी कि उन्हें वे समझा देते हैं कि ये किससे संबंधित है, ये इसके क्या लाभ हानि, ये सभी उन्हें बता देते हैं। तो ये सभी चीजें क्या करती हैं, कंपनी का लागत 50-60% कंपनी के लागत जो होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो लागत होता है उसमें 50-60% क्या करती हैं, बचत कर देती हैं। ये सभी चीजें जैसे सस्ती हैं या बाजार उपलब्ध हो गया, श्रम सस्ता श्रम मिल गया, सस्ते श्रमिक मिल गए, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब मिल के जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो लागत होता है उसमें बचत कर देते हैं। कितना, 50-60% बचत कर देते हैं। तो हम इससे, इस बात से हम हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार से, उनके वस्तुओं के उत्पादन के और प्रसार से क्या होता है, असीमित लाभ क्या होता है, इन्हें बहुत अधिक लाभ प्रदान होता है। इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो एक से अधिक देशों में वस्तुओं के उत्पादन करती हैं और उनको वितरित करती हैं, उनको निर्यात करती हैं। तो अब ये था आज अंतर्देशीय उत्पादन। अगला जो पॉइंट है, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जो विश्व भर के उत्पादन है विश्व भर के उत्पादन को
विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, तो विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सामान्यतः जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वे उसी स्थान पर उत्पादन करती हैं, यानी कि उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वे उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं, यानी कि कारखाने स्थापित करती हैं, जहां पे इन्हें कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो, श्रम उपलब्ध हो। इस पर कम लागत पर इनका जो मुख्य पॉइंट होता है वो क्या है? कम लागत पर कुशल या अकुशल श्रमिक। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पे अपना उत्पादन इकाई स्थापित करेंगी जहां पे क्या कि कम लागत पे कुशल या अकुशल श्रम उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ उत्पादन के अन्य कारकों की जो उपलब्ध हो, उपलब्धता हो, सुनिश्चित होनी चाहिए। उत्पादन के जो अन्य कारक हैं, उसका जो क्या है, उसका वो अन्य कारक की उपलब्धि क्या होनी चाहिए? सुनिश्चित होनी चाहिए। वो सुनिश्चित हो, उनकी जो भी उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो, तो जाके वो क्या करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां पे इकाई स्थापित करती हैं उत्पादन की, यानी कि उत्पादन से संबंधित इकाई स्थापित करती हैं, कारखाना कार्यालय स्थापित करती हैं। कहाँ पे? जहाँ पे इन्हें कम लागत पर कुशल या अकुशल श्रम उपलब्ध हो। इसके अलावा ये सरकार की नीतियों को भी ध्यान से समझती हैं, देखती हैं, उस पर गौर करती हैं। किसकी नीतियों पे? सरकार की नीतियों पे ये ज्यादा ध्यान देती हैं। क्यों? क्योंकि उससे इनका हित जुड़ा होता है। जिस देश में ये कंपनियां स्थापित की जाती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन देशों में अपनी कंपनी को लगाती हैं, कारखाने को लगाती हैं, वहां पे वे क्या करती हैं, वहां पे ये अपने सरकार की नीतियों को ध्यान से देखती हैं कि सरकार की नीति क्या है। और क्यों? क्योंकि इससे इनका जो हित होता है वो जुड़ा होता है। उन्हें सरकार के नियमों से, शर्तों से और उनके नियमों कानूनों से इनका हित जुड़ा होता है, तो ये उनके उन नियमों को ध्यान से देखती हैं, समझती हैं। और इसके साथ साथ इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ये क्या करती हैं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय या कारखाने स्थापित करती हैं। यानी कि ये सब कुछ सुनिश्चित हो जाता है कि कम लागत के मजदूर मिल गए और कुशल श्रमिक मिल गए, और सरकार की जो भी नीतियां हैं वो इनके हित का, इनके हित को देखते हुए बनाई गई हैं। इन सभी को जांच परखने के बाद ही ये उत्पादन के लिए क्या करती हैं, कार्यालय या कारखाना स्थापित करती हैं। अब जो परिसंपत्तियां होती हैं, परिसंपत्तियों में जैसे भूमि हो गया, परिसंपत्तियों में जैसे इनकी जो परिसंपत्तियां होती हैं, भूमि हो गया या भवन हो गया या मशीन हो गया या अन्य जो अन्य उपकरण होते हैं, उनके उनको खरीदने पे जो व्यय मुद्रा होता है उसी को क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वे भूमि, भवन और मशीन, इसके अलावा अन्य उपकरण को खरीदने में, व्यय करने में जो मुद्रा मुद्रा क्या करती हैं, व्यय करती हैं, उसी को निवेश कहा जाता है। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है, जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो पैसा लगाती हैं, जो व्यय करती हैं, उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। वही पैसा, वही व्यय जो विदेशी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगाती हैं, उसे क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। अब कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो इस आशा से पैसा लगाती है, वो उसका मुख्य मकसद क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य मकसद क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो पैसा इसलिए लगाती है ताकि अधिकतम लाभ अर्जित कर सके। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन भी करती हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो दूसरे देशों की कंपनियां होती हैं, वो उस देश में जा रही हैं जिस देश में वे कंपनी स्थापित कर रहे हैं, फैक्ट्री स्थापित कर रही हैं, तो उनके साथ क्या करती हैं, मिल के संयुक्त रूप से उनके साथ उत्पादन करती हैं। किसके साथ? स्थानीय कंपनियों के साथ, यानी कि उस देश के का जो उस देश का स्थानीय कंपनी है,
उसके साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, संयुक्त उत्पादन करती है, यानी कि मिलकर उत्पादन करती है। इससे क्या होता है, इससे जो स्थानीय कंपनियां हैं उनका लाभ जो होता है वो क्या होता है, स्थानीय कंपनियों का लाभ क्या होता है, दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करने लगती है तो स्थानीय कंपनियों का जो लाभ होता है वो दोगुना हो जाता है। ऐसा क्या होता है कि अतिरिक्त निवेश के लिए ये क्या करती है, पैसा खर्च करते हैं। अतिरिक्त अगर कंपनी में कोई किसी भी सामान को खरीदने के लिए या अधिक उत्पादन के लिए मशीन खरीदना है तो उसके लिए अतिरिक्त निवेश करना है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास पर्याप्त पैसा होता है तो वे पैसा उपलब्ध करा देती है, तो ये लाभ हो जाता है स्थानीय कंपनियों को। और दूसरा लाभ क्या होता है कि जो नवीन तकनीक है, नवीन प्रौद्योगिकी है, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां लेकर अपने साथ आती है, नई तकनीक वो अपने साथ लेकर आती है, तो इससे स्थानीय कंपनियों को भी लाभ होता है, यानी कि दूना लाभ होता है। अब इसके अलावा क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, इनके निवेश का जो मुख्य रास्ता होता है, आम रास्ता होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश का, इसके अलावा जो रास्ता होता है वो क्या होता है कि वे स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं और उसके बाद उत्पादन करती हैं। एक तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करती हैं, मिलकर उत्पादन करती हैं। और दूसरा रास्ता क्या होता है इनके लिए कि वे स्थानीय कंपनियों को ही खरीद लेती हैं, पैसा देके स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, उसके बाद उत्पादन करती हैं। क्योंकि इनके पास पर्याप्त पैसा होता है, पैसा अधिक मात्रा में होता है तो ये आसानी से उन्हें क्या करती हैं, खरीद लेती हैं, इनके पास बहुत अधिक पैसा होता है। जैसे उदाहरण है, जैसे कि अमेरिका की एक कंपनी है कारगिल फूड्स, अमेरिका जैसे कंपनी उदाहरण के रूप में कारगिल फूड्स, कारगिल फूड्स ने क्या किया, भारत की एक छोटी कंपनी थी परक फूड्स, कारगिल कंपनी ने अमेरिका की कारगिल कंपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उसने भारत की स्थानीय कंपनी परक फूड्स को खरीद लिया। अब परक फूड्स का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा विपणन केंद्र था, बड़ा विपणन केंद्र था और इसके जो प्रोडक्ट थे वे काफी प्रसिद्ध थे, तो अब उस पे किसका नियंत्रण हो गया, कारगिल फूड्स का नियंत्रण हो गया। और इसके जो चार तेल शोधक कारखाने थे उसको भी कारगिल कंपनी ने क्या किया, खरीद लिया, यानी कि ये भी कारगिल कंपनी के अधिकार में चले गए। अब क्या हुआ कि जो कारगिल कंपनी है वो प्रतिदिन 50 लाख क्या करती है, पैकेट खाद्य तेल क्या करती है, का उत्पादन करती है, 50 लाख खाद्य तेल का उत्पादन करती है। और भारत के कंपनियों में ये अब सबसे बड़ी कंपनी बन गई, कौन, कारगिल फूड्स, कारगिल फूड्स भारत के खाद्य जो तेल है उनमें सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभर गई, क्योंकि इनके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में था, इसने आसानी से भारत के परक फूड्स को खरीद लिया है। अब इसके अलावा क्या होता है कि ये क्या करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से भी उत्पादन को नियंत्रित करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं अन्य तरीकों से भी उत्पादन को नियंत्रित करती हैं, छोटे उत्पादकों को ये आड़ देती है। एक तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो संपत्ति है वो बहुत सारे विकासशील देशों के कुल बजट से भी ज़्यादा है, जो बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनका जो पूरा संपत्ति है वो कुछ देशों के जो विकासशील देश हैं उनके पूरे बजट से भी ज़्यादा, इसका मतलब कि बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है, तो विकसित देशों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वे छोटे उत्पादकों को आर्डर देती हैं, विभिन्न देशों के छोटे उत्पादकों को आर्डर देती हैं और फिर उनका उत्पादन करती है। जैसे कि जूता हो गया, चप्पल हो गया और खेलने के सामान, खिलौने, ये सब अधिकतर हम देखते हैं कि विश्व के जितने भी उत्पादक होते हैं वे छोटे उत्पादक के द्वारा ये सामानों का उत्पादन किया जाता है, जूता चप्पल या अन्य खेल के सामानों का। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, उन्हें उत्पादन करने के लिए कहती हैं, उन छोटे कंपनियों को उत्पादन करने के लिए कहती हैं कि मैं उत्पादन करो और मैं तुम्हारा सामान खरीद लूंगा, तो वे सब उत्पादन करके उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच देते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं उस पर अपना ब्रांड लगा के फिर वो बाजार में उन वस्तुओं को बेचते हैं। तो ये सब कामों के द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां दिन प्रतिदिन क्या होती आगे बढ़ती चली जा रही हैं, इन सब प्रयासों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दिन प्रतिदिन विकास होता चला जा रहा है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना व्यापार फैलाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए
बहुत सारे प्रयास किए हैं, चाहे वो स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर काम करना हो या पर्याप्त मात्रा में पैसे होने पे वे उन्हीं को खरीद लेती हैं। तो बहुत सारे तरीकों से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ा दिया है, जो संसार के पूरे संसार में हम कह सकते हैं कि पूरे संसार के पूरे भाग में फैल गया। पूरे हर देश में ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस समय फैली हुई हैं और अधिकतर इन्हीं के उत्पाद बाजार में देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास पर्याप्त पैसा है और दूसरा पैसा होने का ये आराम से कुछ श्रमिकों को क्या करती हैं, खरीद लेती हैं, फिर उनका उत्पादन करती हैं। तो पर्याप्त मात्रा में पैसे होने के कारण इस समय ये पूरे संसार में छाई हुई हैं ये कंपनियां और इन्हीं के ब्रांड बाजार में देखने को मिलते हैं। तो ये था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। अब अगला जो पॉइंट है वो है विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। विदेश व्यापार और बाजारों का विदेश व्यापार और विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। देखिए लंबे समय से क्या होता है, लंबे समय से जो विदेश व्यापार होता है वो विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य साधन है। विदेश व्यापार क्या है, विदेश व्यापार विभिन्न देशों को, जो विदेश व्यापार है ये विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का साधन है। जैसे कि अगर हम विदेश व्यापार, जैसे भारत का उदाहरण है, भारत में व्यापार होता है, भारत के लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, भारत के लोग जापान से व्यापार करते हैं, श्रीलंका से व्यापार करते हैं, अमेरिका से व्यापार करते हैं, इंग्लैंड से व्यापार करते हैं, ये दोनों को एक दूसरे देशों को जोड़ता है। उधर के लोग अमेरिका के लोग भारत में व्यापार करेंगे, जापान के लोग भारत में व्यापार करेंगे, यहाँ के लोग वहाँ व्यापार करेंगे। तो जो विदेश व्यापार होता है वो क्या करता है, एक देश से दूसरे देशों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि हम इतिहास पढ़ चुके हैं, इतिहास में हमने क्या पढ़ा है कि जो भारत का व्यापार उस समय होता था प्राचीन काल में, भारत का व्यापार या दक्षिण एशिया का व्यापार होता था वो कहाँ पे होता था, पूर्वी देशों के साथ या पश्चिमी देशों के साथ भारत या एशिया का व्यापार होता था। यानी कि भारत के व्यापार, भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में पढ़े कि भारत का व्यापार मिस्र के देशों के साथ होता था और इराक के साथ होता था, अरब के देशों, अरब के व्यापारियों के साथ व्यापार होता था, यानी कि भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार होता था। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से 16वीं-17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी उसका भी मुख्य मकसद क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत से व्यापार करके अधिकतम लाभ अर्जित करना। तो वे भारत में आए थे क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ताकि वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें। तो व्यापार जो होता है वो क्या करता है कि एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार जो होता है वो घरेलू बाजारों में अपने देश के जो बाजार हैं, विदेश व्यापार क्या करता है, घरेलू बाजारों में अपने देश के बाजारों में जो उत्पादक हैं उन्हें अवसर प्रदान करता है कि वह दूसरे देशों में बेच सकें सामान को। यानी कि जो विदेशी व्यापार है वो अपने देश के व्यापारियों को यह अवसर प्रदान करता है कि वह अपने देश के बाजार में, अपने घरेलू बाजार के अतिरिक्त वे दूसरे देश के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकें, वहाँ पे भी उनको अवसर प्रदान हो सके। तो उत्पादक जो होते हैं सिर्फ अपने देश में नहीं, उत्पादक होता है जो सामान का उत्पादन करता है वे सिर्फ अपने देश में ही वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है या बेचता नहीं, बल्कि वे विदेशों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी कि कोई कंपनी अपने देश में सामान को बना रही है, कोई कंपनी अपने देश में सामान को बनाए तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने देश में ही सामान को बेचे, उसका ये भी मकसद होता है कि वे दूसरे देश में सामान को ले जाकर बेचे, उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करें, उन देशों के कंपनियों के साथ, उन देशों के व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। हो सकता है कि इस देश की कंपनी का सामान बढ़िया होगा तो वे दूसरे देशों में ज़्यादा बिकेगा तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। तो इनका मुख्य जो उद्देश्य होता है विदेश व्यापार का, वो विदेश व्यापार के अंतर्गत ये होता है कि सिर्फ जो उत्पादन है उसको अपने देश में घरेलू बाजार में बेचना नहीं होता, बल्कि दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करना होता है। अब देखिए व्यापार खुलने से क्या होता है, विदेश व्यापार अगर हो रहा है, विदेश व्यापार खुल रहा है, उससे क्या होता है कि बहुत जो वस्तु का एक से दूसरे देशों में बाजार का आवागमन, यानी कि बाजारों में आवागमन हो जाता है। यानी कि अगर विदेशी व्यापार खुल गया
विदेश व्यापार होने लगा तो कोई भी सामान हो वह एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगेंगी, एक देश से दूसरे देश में उस वस्तु का आवागमन हो जाता है, जिससे वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। यानी कि वस्तु के शुरू में मैंने बताया ना कि अब वस्तु के बाजार में विकल्प बढ़ जाते हैं, जैसे कि मुझे खरीदना है मोबाइल खरीदना है, अब जब विदेशी व्यापार व्यापार हो रहा है और अगर विदेशी व्यापार समय लीजिए नहीं होता तो हमें मोबाइल खरीदना है तो हम कौन सा मोबाइल खरीदते जो भारत में बनता है, चाहे लावा हो गया माइक्रोमैक्स हो गया, ये सब मोबाइल हमें परचेज करना पड़ता खरीदना पड़ता। लेकिन विदेशी व्यापार जब हो रहा है यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है तो अब उसके द्वारा हम जब बाजार में मोबाइल खरीदने जाएंगे तो हमें हर देश की कंपनियों के मोबाइल मिलेंगे, चाहे वो जापानी मोबाइल हो, कोरियन मोबाइल हो, या अमेरिकन मोबाइल हो, इंडियन मोबाइल हो, जापानी जो, चाइनीज हो, ये सभी मोबाइल हमको बाजार में मिल जाएंगे। तो हम अपने हिसाब से अब वस्तुओं का क्या होगा, वस्तुओं के विकल्प हमें मोबाइल के विकल्प मिल गए, बहुत सारे विकल्प हमें बाजार में, हम कोई भी मोबाइल खरीद सकते हैं। तो अगर विदेशी व्यापार नहीं होता तो हमें भारतीय जो सामान है वही खरीदना पड़ता, भारतीय मोबाइल ही खरीदना पड़ता। लेकिन अब जब विदेशी व्यापार के बाद क्या हुआ कि वस्तुओं के विकल्प हमारे पास मौजूद है, कोई भी सामान खरीद सकते हैं, तो इससे क्या होता है वस्तुओं का मूल्य समान बना रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब हर जगह पे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उससे क्या होता है कि वस्तुओं के मूल्य समान बने रहेंगे। नहीं तो अगर मोबाइल एक ही टाइप का होगा तो वे महंगे भी या सस्ते हो सकते हैं। अब देखिए अब विदेशी व्यापार से क्या होता है, विदेशी व्यापार से ये होता है कि हजारों मील रहकर भी एक व्यक्ति एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से हजारों मील दूर है। विदेशी व्यापार के द्वारा एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से हजारों मील दूर है, लेकिन हजारों मील दूर रहकर भी वो क्या कर सकता है, प्रतिस्पर्धा कर सकता है। भारत और अमेरिका की बात कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर के अंतर है, लेकिन यहाँ के व्यापारी भारत के व्यापारी और अमेरिका के व्यापारी में हजारों किलोमीटर का अंतर है, लेकिन अब विदेशी व्यापार के द्वारा ये क्या कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं अपने सामानों का प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। किसके द्वारा, विदेशी व्यापार के द्वारा। तो जो विदेशी व्यापार होता है दो देशों के बाजारों को जोड़ता है और एकीकरण में सहायता करता है। विदेशी व्यापार क्या करता है, विदेशी व्यापार दो देशों के व्यापारों को जोड़ता है। भारत अमेरिका का विदेशी व्यापार हो रहा है तो भारत के लोग अमेरिका में व्यापार करेंगे, सामान खरीदेंगे, और अमेरिकन लोग भारत के वस्तुओं को खरीदेंगे। तो विदेशी व्यापार का क्या करता है, दो देशों के बाजारों को जोड़ता है और एकीकरण में सहायता करता है, उन्हें एकीकृत करता है। तो ये था आज के कुछ पॉइंट। आई होप आपको जो भी मैंने कुछ समझाया बताया उसको आपको समझ में आया होगा, चाहे वैश्वीकरण के बारे में या विदेशी व्यापार के बारे में या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम वैश्वीकरण से फिर स्टार्ट करेंगे, अगले पॉइंट से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।